स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने का। उसमें हमने कुछ मेथड पढ़े थे, लैग्रांज पढ़ लिया था, मल्टीप्लायर्स पढ़ लिया था। अब इसी तरह से हम अगर तो लैग्रांज से कर लें इक्वेशन को, वो भी हमारी चॉइस है, उसके अलावा अगर मल्टीप्लायर से कर लें तो कुछ अगर आप मल्टीप्लायर्स फाइंड करने में आपको डिफिकल्टी हो तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है कि आप कंबाइन कर लो। इस तरह से आपके पास जो तीन रेशियो है, पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे इसी तरह से जिस तरह से हम बनाते आ रहे हैं। ये हमारे पास स्मॉल पी है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी जेड अपॉन डी एक्स, इस तरह से बोल सकते हैं इसको। इस तरह से ये हो गया डी जेड अपॉन डी वाई हो गया डावा, सॉरी। यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है ये राइट साइड पर आपका फंक्शन आर कहलाता है। ये स्मॉल क्यू के साथ जो भी फंक्शन आपका कहलाता है कैपिटल क्यू, और स्मॉल पी के साथ जो भी फंक्शन कैपिटल पी कहलाता है। अब ये तीन फंक्शंस का हम बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन जिस तरह से नॉर्मली बनाते आ रहे हैं अभी तक। डी एक्स अपॉन कैपिटल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। इसके बाद अभी तक हम फाइंड कर रहे थे, लैग्रांज से कर रहे थे इसको, मतलब कोई सी भी दो पॉसिबिलिटीज लेते थे, मैं दो रेशियो ले ली, उसको सॉल्व कर लिया। यहाँ से कोई सी भी दो रेशियो मिल गई तो एटलीस्ट आपका दो सोल्यूशन आने चाहिए, यू एक्स वाई जेड और वी एक्स वाई जेड। यहाँ सेकंड ऑप्शन था आपको मल्टीप्लायर फाइंड कर लो कि मल्टीप्लायर में क्या होता है आपके डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड डिवाइड बाय कोई ऐसा नंबर हो, कोई ऐसा वेरिएबल हो जो कि आपके डिनोमिनेटर को जीरो करवा दे, तो आप उसको न्यूमिनेटर को जीरो के इक्वेट करवा कर इंटीग्रेट कर लेते थे। वहां से आपके पास टू सेट ऑफ मल्टीप्लायर आना चाहिए, मतलब एक बार फर्स्ट टाइम आप करोगे तो यू एक्स वाई जेड आ जाएगा, सेकेंड टाइम आप करोगे तो वी एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब इसमें क्या है, आपने कोई सी भी दो रेशो तीन रेशो को कंबाइन कर लेना है, और उसको कम और लाजमी नहीं कि उसका डिनोमिनेटर जीरो आ जाए। आपने कोई से भी यहाँ से दो रेशियो लेनी है, तीन रेशियो लेनी है, उसको कंपेयर कर लेना, उसको ऐड या माइनस जो भी करना है करके उसके डिनोमिनेटर के अंदर लाजमी नहीं जीरो बने, लेकिन ऐसा हो कि आपके पास डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो सके, सॉल्व हो सके, इंटीग्रेट हो सके, एक और रेशियो के साथ कंपेयर करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आपके पास ये आपका मेथड होगा कंबाइन का, आपने मतलब आपने जो रेशोज इनके जो पॉसिबिलिटीज बन रही है इनको कंबाइन कर लेना है। कंबाइन करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है कि सॉल्वेबल होना चाहिए रिजल्ट। सॉल्वेबल होने से मुराद ये है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स है और डिफरेंशियल ऑपरेटर वाई है यहाँ पर या एक्स है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई के फंक्शन होने चाहिए, और यहाँ पर अगर जेड है तो सिर्फ जेड का फंक्शन होना चाहिए। इनके वेरिएबल सेपरेबल, जो चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, वेरिएबल सेपरेबल हो जाए या तो फिर आपके पास सॉल्वेबल इस तरह से लीनियर बन जाए, होमोजीनियस बन जाए, कोई भी बन जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या कंबाइन किया, डी एक्स प्लस डी वाई, डी एक्स और डी वाई को कंबाइन कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू डी जेड के साथ मैंने कंपेयर कर दिया इसको एक्स प्लस वाई के साथ, तो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन, यहाँ से फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये क्लोज हो गया इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर क्या है, dz के अपॉन में x प्लस वाई फंक्शन है, x और y के वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, तो आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, आप सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी जेड, यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी जेड। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, आपने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, यहाँ पर जेड का कोई भी और वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर डी एक्स प्लस वाई के साथ सिर्फ एक्स प्लस वाई का वेरिएबल है, तो आप करते हो इंटीग्रेट। इसके बाद इंटीग्रेट करने के तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा एल एन इंटू एक्स प्लस वाई, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा जेड प्लस सी एल एन एक्स प्लस वाई ये माइनस जेड इक्वल टू सी वन, यहाँ आपके पास फंक्शन यू एक्स वाई जेड आ गया। सेकेंड आपने अब फाइंड करना है वी एक्स वाई जेड, उसके लिए आपने कंपेयर किसको कर लिया, डी एक्स प्लस डी वाई कर दिया और डी एक्स माइनस डी वाई कर दिया, कंबाइन इस तरह से आपने इनको रेशियोस को इस तरह किया है कि डी एक्स प्लस डी वाई और डी एक्स माइनस डी वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सॉल्वेबल है, आपने क्या करना है इसको डी इंटू एक्स प्लस वाई बना लेना है, यहाँ पर भी डी इंटू एक्स माइनस वाई बना लेना है। अब इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो डी इंटू एक्स प्लस वाई के लिहाज से क्या हो जाएगा, ये पूरा एक फंक्शन ट्रीट होगा x प्लस वाई, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा, ये सॉरी माइनस का टू हो जाएगा, इस तरह से x माइनस वाई की पावर यहाँ पे भी ऊपर जाके माइनस की टू हो जाएगी।
अब आप अगर इसको इंटीग्रेट करो क्या हो जाएगा, माइनस यानी एक्स प्लस वाई की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये लिख दिया यहाँ पर भी, एक्स माइनस वाई की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दो आप कॉन्स्टेंट को एक साइड पर रहने दो, वन अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी टू। फाइनल सोल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, यू एक्स वाई जेड कॉमा वी एक्स वाई जेड। तो आपने कंबाइन कर दिया यहाँ पर एल एन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड कॉमा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। कंबाइन करते हुए आपने इस चीज का भी ख्याल करना है कि आपका जो जनरल सोल्यूशन जो आएगा, फाइनल सोल्यूशन आएगा, उसमें अक्सर कंबाइन करते हुए हमारे पास आंसर सेम आ जाते हैं। तो आपने कंबाइन ऐसा करना है कि आपका जो यू एक्स वाई जेड और वी एक्स वाई जेड डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अक्सर होता है कंबाइन करते हुए, मतलब आप जब कोशिश करते हैं तो उसमें आंसर सेम आते हैं। उसमें क्या होता है, कंबाइन के अंदर फर्क नहीं पड़ता, आप कम्बिनेशन वही यूज कर रहे होते हैं, बस तरतीब चेंज कर देते हो। तो इस चीज़ का ख्याल करना है, अगर आंसर सेम आए तो आप दोबारा अपनी कम्बिनेशन को चेक करो कि डी एक्स और डी वाई कंबाइन करके दोबारा डी एक्स माइनस डी वाई कर रहे हो, इस तरह से डी एक्स डी वाई डी जेड करके डी जेड से कंपेयर कर लो। तो इस तरह से आपको पॉसिबल लगे आपने कंपेयर करके सिम्प्लीफाई करके इंटीग्रेबल करना है इसको, इंटीग्रेशन आराम से हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास y माइनस जेड अपॉन वाई जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं सबसे पहले, डी एक्स अपॉन वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। इनकी पी क्यू और आर आपने यहाँ पे लिख दिया। अब एक हम फाइंड कर लेते हैं इसका मल्टीप्लायर, अगर इजिली मल्टीप्लायर फाइंड हो जाता है, ये कंबाइन कर लेते हैं, आपके पास ऑप्शन है जो भी आप कर लो। मल्टीप्लायर फाइंड हो रहा है इजीली तो मल्टीप्लायर फाइंड कर लो, कंबाइन हो रहा है इजीली कंबाइन कर लो, खुद ही डायरेक्टली अगर कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे कोई दो रेशियो आप सॉल्व हो रही है तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो। यहाँ पे एक मल्टीप्लायर लेके चल रहा हूँ, वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड मल्टीप्लाई करवा देंगे इनके साथ, तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड अपॉन एक्स वाई जेड, जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई जेड और एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई जेड। सिंपली यहाँ पर माइनस का जेड जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का जेड और प्लस का जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का वाई और प्लस का वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो डिवाइड बाय जिसके डिवाइड करोगे जीरो बचेगा। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस वन अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट आपने कर देना है इसको इंटीग्रेट, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई प्लस एल एन जेड इक्वल टू एल सी वन यहाँ पर कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स वाई जेड इक्वल टू एल एन सी वन। सिंप्लीफाई करोगे एक्स वाई जेड इक्वल टू सी वन। नेक्स्ट टाइम पे मैंने क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया, डी एक्स प्लस डी वाई कंबाइन करके मैंने डी जेड से कंपेयर कर दिए। तो इसके साथ अगर सॉल्वेबल हो रहा है तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे, या कोई अगर मल्टीप्लायर आप इजिली फाइंड कर दो मल्टीप्लायर फाइंड कर लो, दोनों ऑप्शन है। तो डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, एक्स वाई जेड एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड, यहाँ पर आ जाएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ बच जाएगा हमारे पास जेड एक्स माइनस का और प्लस का जेड वाई। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, जेड कॉमन ले लिया यहाँ पर, जेड इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल, यहाँ बच जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू माइनस का डी जेड। सिंपली आप इसको कर दो इंटीग्रेट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी टू, तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। दोनों सोल्यूशन जो है एक दूसरे डिफरेंट है, यू एक्स वाई जेड और वी एक्स वाई जेड डिफरेंट दोनों सोल्यूशन है तुम्हारे पास, तो इसका जनरल सोल्यूशन लिख दें इक्वल टू जीरो। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है कंबाइन की, वो उसको देख लेते हैं। वो है हमारे पास मेरी एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड इंटू एक्स प्लस वाई, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स प्लस वाई। एक तो इसमें रेशियो इजिली सॉल्वेबल है हमारे पास, डी एक्स और डी वाई, इनमें सिर्फ एक्स और वाई है हमारे पास। सेकेंड को सॉल्वेबल बनाने के लिए मैं कंबाइन कर रहा हूँ डी एक्स और डी वाई को। जब डी एक्स और डी वाई कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो डी इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको आप किसी से भी कंपेयर कर लो, तो आप पॉसिबिलिटी आपके पास क्या क्या कंपेयर किसी से भी कर सकते हो, तो आप इसको थर्ड वाली से कंपेयर कर रहे हैं।
तो ये जगह dz अपॉन z into x plus y equal to d into x minus y upon x plus y into x minus y. यहाँ से सिंपलीफाई करोगे x plus y cancel out, dz upon z equal to d into x minus y upon x minus y. अब कर दो आप इसीलिए इसको इंटीग्रेट, तो ln z equal to ln x minus y plus ln c. यहाँ से आप इसको जस्ट शिफ्ट कर दोगे माइनस में हो जाएगा, ln z upon x minus y equal to ln c. ln खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो z upon x minus y equal to c1. सेकेंड आपके पास जो इजीली सॉल्व हो रहे थे हमारे पास वही इनको लेके चल रहे हैं, लाजमी नहीं कि हमको मल्टीप्लाई फाइंड करें. तो dx upon x square equal to dy upon y square, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 upon x का इंटीग्रेशन करेंगे इसका हो जाएगा माइनस का 1 upon y. इधर लेकर आएंगे तो माइनस 1 upon x plus 1 upon y equal to c2. तो दोनों सोल्यूशन हमारे पास डिफरेंट है यहाँ पर, तो लिख देंगे इसको जनरल सोल्यूशन के अंदर z upon x minus y comma x minus y upon xy equal to 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा.